हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ अपने जो मेरे पास रेडमी नोट 13 5G डिवाइस है। इसके अंदर मैं बैटरी इंडिकेटर मतलब कि आपको जो यहाँ पे बैटरी शो होती होगी उसको मैं आपको हाइड करना है या फिर कैसे आपको इसका एनिमेशन चेंज करना है तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, सेटिंग्स को ओपन कर देना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते ही यहाँ पर कैसे आपको डिस्प्ले का ऑप्शन शो होगा, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको शो कंट्रोल सेंटर एनी स्टेटस बात है, सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर गए इस तरीके से आपको ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेटर पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए एनिमेशन हमारा चेंज हो गया है। ठीक है, पहले हमारा कुछ इस तरीके से शो होता था, अब इस तरीके से शो होगा। तो देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से मतलब जो बैटरी इंडिकेटर है वो चेंज हो जाता है। आपको हाइड करना है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी जो बैटरी परसेंटेज है वो आपकी शो नहीं होगी। यहाँ से आप इजीली हाइड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो रखना हो रख सकते हो, बट हम ये रख देते हैं। तो इस तरीके से हमने बैटरी इंडिकेटर को आप चेंज कर सकते हो। तो कैसे ही हो आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।